गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास फोर्थ साइंस फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन में ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो भोजन होता है, फूड मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड। फूड मीन्स भोजन, जो हम खाते हैं वो सबको क्या करता है, आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसीलिए जो है फूड जो है हम लोगों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वी ईट व्हीट राइस वेजिटेबल्स। आप सब लोग अपने घरों में जो है कि ईट करते होंगे व्हीट, मतलब गेहूं के कुछ ना कुछ चीज़ें खाते हो। व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं। राइस मीन्स चावल। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। फ्रूट्स मतलब फल। पल्सेस मीन्स दालें। ये सारी चीज़ें, और कुछ लोग मीट को भी और अंडे को भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप खाते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड का फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी। और ये फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि क्या करता है, आपकी बॉडी को जो है कि नरिश करता है। नरिश मतलब क्या होता है, नरिशमेंट मतलब देख रेख करना, यानी कि जहाँ भी कहीं भी कट पिट जाए तो उसको नरिश कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट करता है। आप न्यूट्रिएंट्स इन फूड, कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो भोजन में होता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। आप सब लोग भोजन खाते होंगे, फूड खाते होंगे। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो उसकी कंटेंट है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है एंड प्रोटीन होता है। साथ में रफेज भी होता है और वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट्स जानते हो, फैट्स मतलब फैटी चीज़ें जो, जैसे तेलीय चीज़ जो खा रहे हो। प्रोटीन्स जो होता है वो दालों से मिलता है, फ्रूट से जो है विटामिन्स मिलता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हम जो भी भोजन के रूप में लेते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वाट डू न्यूट्रिशन डू फॉर अस, क्या करता है न्यूट्रिएंट्स। आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट, जैसे भी आप चावल खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिजिकल वर्क जो ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। शुगर्स एंड स्टार्च जो होते हैं, टू टाइप्स कार्बोहाइड्रेट के हैं। और शुगर मतलब चीनी होता है, स्टार्च जो होता है जो भी प्लांट से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च कहते हैं। ये सारे किसके रूप है, किसके फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है। और राइस व्हीट एंड पोटैटोज कंटेन स्टार्च। राइस, जैसे आप, राइस मींस क्या हुआ, चावल। व्हीट मतलब गेहूं। और पोटैटो मींस क्या होता है, आलू। इस सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन स्टार्च। और फैट्स अगर आप खाते हो तो फैट्स जो है कि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। आयल, नट्स, बटर कंटेन्स फैट। किस में पाया जाता है फैट, जो भी आयल है, तेल चीज़ें खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, के बादाम के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है, बादाम है, अखरोट है, ये सब आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, फैट्स प्रोवाइड करेगा। बटर, बटर भी खाते हो तो फैट प्रोवाइड करता है। फैट हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। और फैट की वजह से हमारी जो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। और एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो बॉडी में क्या रहता है, स्टोर रहता है। किसके लिए स्टोर रहता है, भविष्य में आप उसका यूज कर सकते हो। हाउ एवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। हम लोग को ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो है फैट जो है हम लोग की स्किन के नीचे जो है क्या हो जाता है, जंग।
वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हमको वर्क कम परफॉर्म करना है, काम कम करना है, तो फैटी चीज़ें जो है कम लेनी चाहिए। अगर वर्क ज़्यादा करना है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो फैटी चीज़ें खाना चाहिए। प्रोटीन्स जो है किसमें मदद करता है, प्रोटीन्स ज़्यादातर जो है कि ग्रो करने में मदद करता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को प्रोटीन वाली चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनका ग्रोथ हो। प्रोटीन जो है कि ग्रोथ कराता है, बच्चों के ग्रो में मदद करता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है दालों में मिलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया। इसके साथ साथ अगर आप एग खाते हो उसमें भी प्रोटीन होता है, फिश खाते हो उसमें भी प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि प्रोटीन की हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज जो होता है इज़ द फाइबर्स होता है। फाइबर्स मतलब रेशा कह सकते हो आप, प्रेजेंट इन आवर फूड, और ये भी आपके फूड भोजन में प्रेजेंट होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन के लिए रफेज भी ज़रूरी होता है, फाइबर भी खाना ज़रूरी होता है। इट एड्स बल्क ऑफ द फूड, और ज़्यादा हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो फाइबर होता है वो पाया जाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। वाटर भी आवश्यक है बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली कार्य करे। 3/4 ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर, और हम लोग के बॉडी का 3/4 भाग जो होता है वो किससे होता है? वाटर से होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि बैलेंस्ड डाइट। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, लेकिन वो खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, हम वर्क भी करते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। तो बैलेंस डाइट क्या है? ए बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल इसका जो है कि एक अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन्स खा रहे हैं या मिनरल्स खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो है कि अगर एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा, कम हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा। तो इसलिए हम लोग को एक बैलेंस डाइट तैयार करनी चाहिए कि क्या चीज़ हमको कितनी मात्रा में खाना है। तो ये बैलेंस डाइट में हमारे भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए उसका यहाँ पर लिस्ट है। तो बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन।